सम्मेलन जो नासिक में सम्मेलन हुआ था, जो बैठक हुई थी 1934 में, उसकी स्मृति में और उसको पुनर्जीवित करने के लिए जो लोग यहाँ एकत्रित हुए उनको हम सबको सलाम करते हैं। दोस्तों, 1934 से लेके आज तक 80-90 वर्ष की ये जो यात्रा है, इसमें देश ने कई करवटें ली। देश आजाद हुआ और इसमें बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां जो 1934 से पहले नेतृत्व कर रही थी और उसके बाद जिन लोगों ने नेतृत्व किया उन लोगों ने देश के समक्ष विचार रखे और सपना नई पीढ़ियों को देते रहे। मैं समझता हूँ कि नासिक सम्मेलन इस देश को एक नई दिशा देने वाला सम्मेलन था या बैठक थी, जिसमें वो तमाम लोग जो त्याग और तपस्या के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। उनमें से कुछ लोगों के साथ हम लोगों ने कार्यकर्ता बन के काम भी किया, कुछ लोगों को हमने देखा केवल, उस समय राजनीति में तो सक्रिय नहीं थे पर देखा हमने और पढ़ा। आचार्य नरेंद्र देव हो, जगकाश जी हो, डॉक्टर लोहिया हो, इन लोगों ने इस देश के लिए बहुत लंबे काल के लिए सोच और विचार दिया जो आज भी प्रासंगिक है और वो और समय के साथ और प्रासंगिक होता चला जा रहा है। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि आज जैसा कि आपका ये जो मैनिफेस्टो मैंने देखा, सोशलिस्ट मैनिफेस्टो, ये जो एजेंडा आप तैयार कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें तो मैंने पूरी पढ़ी नहीं है पर कुछ संक्षेप में मैंने चीज़ों को देखा है। मैं समझता हूँ कि आपने जो आज देश के सामने संकट है उसको सही तरीके से रेखांकित किया है। इस संकट में जहाँ हमारे संविधान को चुनौती है, इस देश के गरीबी की रेखा में आस पास रह रहे जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं उन लोगों को उनके जीवन के लिए चुनौती है और देश ने जो हमारी विरासत है, जो अच्छाई है, जो हमको संविधान से मिली, जो हमको संघर्षों से मिली, तमाम संघर्षों से, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के संघर्षों से मिली, उस सारी विरासत को आज खत्म करने की कोशिश हो रही है, एक नई परंपरा डालने की कोशिश हो रही है, इसको तोड़ना होगा। इसकी पहचान मैं समझता हूँ कि आप जब नासिक की ये भावना पर मीटिंग कर रहे हैं, उसकी पहचान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बहुत, सबसे मैं समझता हूँ कि जितने समाजवादी लीडर हुए हैं सबका हम आदर और सम्मान करते हैं। वो ये भी मैं मानता हूँ कि उनमें से कुछ लोग डॉक्टर लोहिया के भी पितामह की तरह थे, चाहे वो आचार्य नरेंद्र देव रहे हों या अन्य लोग रहे हों, पर डॉक्टर लोहिया की समझ सबसे पहली समझ थी और इसीलिए सन 1955-54 के दौर में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से संवाद किया, बाबा साहब के सामने प्रस्ताव किया कि वो देश की अगुवाई करें और उनकी जो पुस्तक है जाति प्रथा, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले लेख भी लिखा था, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया और मधुरमय को चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि भाई आज के आजाद हिंदुस्तान में बाबा साहब से बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं है जो इस देश को नई दिशा दे सकता। सत्तापूर्वक समाज बनाना है, संविधान को बचाना है, तो हम लोगों को ये जो दो महापुरुष हुए हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में, उनके विचारों को समझे जाने और उनको पर चले तो ये नया भारत बन नहीं सकता। दोस्तों, आज जो वर्तमान सरकार है, आप उसके बारे में तमाम लोगों ने यहाँ कहा होगा, काले धन के मामले में अरुण कुमार जी ने, मैं समझता हूँ जो इस देश के सबसे विद्वान हैं, उन्होंने अपनी राय रखी होगी किसान आंदोलन के बारे में, क्योंकि हमारे ये रैयत आंदोलन के हमारे पुराने साथी हैं बिहार पार्टी। जब हम लोग नौजवान आंदोलन जब पूरे देश में बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे थे तो हम और बिहार पार्टी साथ साथ उस समय संघर्ष किया करते थे। यहाँ सुनी लगती है तो मध्य प्रदेश में किसानों का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, तमाम प्रश्नों पर संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने रखे होंगे विचार और रखेंगे। मैं समझता हूँ आज का ये जो बहुत ही
महत्वपूर्ण सम्मेलन, मैं और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा आभार और मैं व्यक्त करना चाहता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार जैन का। प्रोफेसर जैन ये तो मेरे भी गुरु हैं, इन्होंने हम लोगों को एक तरह से जब दीक्षा दी है सक्रिय कार्यकर्ता बनने की। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रयास को ये एक निर्णायक परिणति तक ले जाए। आने वाले दिन बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, इनकी मैंने बातें सुनी है, मैं जानता हूँ ये इतने चुनौतीपूर्ण दिन होंगे कि हम 1977 को भूल जाएंगे, 1975 को भूल जाएंगे। ये समय बहुत ही संक्रमण का और संकट का दौर है और मैं आपको बताता हूँ इसमें सभी लोग खड़े रह पाएंगे और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। ये जुल्म और इतना अत्याचार होने जा रहा है कि कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत कम लोग निकलेंगे पर हमें अपनी कमर कस के तैयार रहना होगा, तभी हम जो सपना जिसको देखने की कोशिश की गई है इस दस्तावेज के माध्यम से, वो बाबा साहब का सपना, वो डॉक्टर लोहिया का सपना, जयप्रकाश जी का सपना, उस सपने को हम लोग जीवित रखकर हम इसको निर्णायक मंडली तक ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और सभी लोगों को फिर से सलाम करते हुए अपनी बात को मैं